स्कूल, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। नाउ गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम, जोर से तालियां। आज उन्होंने अपना आप यकीन की ये तकरीर शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सबसे पहले मैं एहसान मंद हूँ खान ब्रदर्स का, जो थीमेटिक मैनेजमेंट है, जिन्होंने काम बनाने की अपॉर्चुनिटी दी और पार्टीज भी इस माहौल को जरा हेलो इस शुक्रिया के बाद एहसान के बाद मैं सबसे पहले बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम दिया, कई बार टीयर्स आंखों से चल पड़े और क्रेडिट दोस्त गॉड प्रिंसिपल एंड टीचर्स। यूपी में बहुत मशहूर कहावत है, जंगल में मंगल। हकीकत में ऐसे लगता है कि शरीफ खान साहब ने, महबूब खान साहब ने, नादिर खान साहब ने जंगल में मंगल कर रखा है। खूबसूरत इंस्टीट्यूशन थी, खूबसूरत बच्चे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थी और इंटेलेक्चुअल सिस्टम थी। बहुत जब कार्ड देखा, बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, किसी भी एंगल से प्रोग्राम्स की कमी नहीं थी। फर्टाइल ब्रेन इसके पीछे था ऐसा लग रहा था, इसीलिए दो महीने पहले जो कि बॉम्बे में हुआ उन शहीदों के लिए यहाँ पर 30 मिनट किया। और इस पूरे मजमू ने यह भी कहा इनडायरेक्टली साइलेंटली, वी कंडेम द टेररिज्म। और यही मैसेज एमएस स्कूल के कॉम्प्लेक्स से गया और पहुंचेगा लोगों को कि हमने एनुअल डे के दिन, इस खूबसूरत शाम के दिन हमने उनको भी याद किया और टेररिस्ट को कंटेक्ट किया। मुझे बिल्कुल भी हेजिटेशन ये कहने में नहीं है कि आज पूरे साल में कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पर, चाहे वो रात की क्रिकेट हो, जब इन तीनों भाइयों ने अपने बाप का नाम रोशन ना किया, आई रियली सैल्यूट देम। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। बहुत लोग ऐसे मजमू ऐसे हैं जो अपने बाप के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, के लिए अपने फादर का नाम रोशन करने के लिए जो कर रहे हैं, आई रियली सैल्यूट देम। थैंक यू सिटिंग ऑन द डायस, बट अबव ऑल माय गुरु एंड प्रिंसिपल सैयद सर इज देयर, सो it is my privilege too that I am here on the same dais as Saiyed sir is there today. Because of Saiyed sir is here, I can't be able to talk to you right now, because he is the ultimate encyclopedia whatsoever is for us. So whatsoever would I have to tell you, he'll give you the same guidance. So sorry for today, I'll request management to मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हम छोटे बच्चे जो हमारे स्कूल के हैं और यहाँ पर आए हुए पेरेंट्स हैं, उनको उन चीफ गेस्ट बाबा साहब इकबाल भाई, खान ब्रदर्स, नाना बालकों, आमंत्रित मेहमानों, स्कूल इंग्लिश है ना गुजराती बनने छे, सो आइदर आई शुड स्पीक इन इंग्लिश और गुजराती, शुड आई स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलूं गुजराती में? सही साहब से गुजारी से मेजर जो है बच्चे अच्छे ने कंप्लेंट पड़ छे कि इंग्लिश बहुत नहीं समझे, ને હું બહુ સારી રીતે અમે ઓળખતા પોલીસ ખાતાના ઓફિસર તરીકે, અને હું ત્યાં સુધી કહીશ કે કદાચ આપણે બધાને એની અંદરથી દાખલો લેવો પડે. હમણાં બે દિવસ પહેલા હું ટીવી પર એક નાની વાતને હું જરા ગહેરાઈથી સંજીદગીથી જોતો હતો
छोकरी हती एना फादर रड़ता रड़ता फरियाद करता था कि छोकरी ऊपर जुलम थयो छे ने कोई फरियाद नहीं लेतो। मारू एवं मानवू छे कि शाहआलम दाणी लीमड़ा में मुस्लिम लीडरों नो कोई दुकान पड़ो नहीं यानी पासे जाइने आ फरियाद ना करी सके। पण जेनी फरियाद जेनी ना लेवामां आवे एक दीकरीनी एने दर दर भटकवू पड़े ए खान ब्रदर्स ने हूँ कहू छू के नवाब खान चाचा ना वक्त में आ परिस्थिति नहोती। कोई पण फरियादी नवाब खान चाचानी पासे जई अने फरियाद करतो तो ए पुलिस खातानी साथे रहीने एनो एनु एक मारे ऋण पर अदा करवानुं छे एनु देवू पण मारा माता ऊपर छे। અને એમાં બાવા સાહેબ જેવા અહીંયા સાથે હોય આમ તો પીર બાપુ છે પીર સાહેબ કહીએ છીએ આપણે પણ પહેલા પીર મેં એવા જોયા કે આવી પ્રવૃત્તિઓમાં ખાસ કરીને શિક્ષણ બાબતમાં આવો ઇન્ટરેસ્ટ લેવા પહેલા પીર મેં આ જોયા। બાવા સાહેબને હું એક રિક્વેસ્ટ કરું છું કે ખાસ કરીને ગુજરાતના મુસ્લિમો માટે અને અમદાવાદના મુસ્લિમો માટે આ પ્રવૃત્તિઓ જો ચાલુ રહે તો કદાચ ભવિષ્યનું કદાચ બીજી પેઢી આપણી એ કદાચ બીજી પેઢીની તાસીર જુદી હોય। ખાન બ્રધર્સને ખૂબ ખૂબ મુબારકબાદ આપું છું આવી સરસ સ્કૂલ બનાવવા બદલ આવી સરસ સંસ્થા બનાવવા બદલ અને એને સારી રીતે ચલાવવા બદલ। કંઈ પણ જરૂર હોય તો ખાન બ્રધર્સને કહું છું કે આપની સાથેની ઓળખાણ નહીં પણ નવાબ ખાન ચાચાની ઓળખાણને નાતે પણ મારી ફરજ બનશે આપણી પાસે આવીને ઊભા રહેવાની। વિદ્યાર્થી મિત્રો નાના ભૂલકાઓ છે હમકો બચ્ચો કો યે સિખાના હૈ દાના હૈ ઉસકી મુઠ્ઠી મેં યે જમાના હૈ। સારે એમએસ સ્કૂલ કે ટ્રસ્ટી પ્રિન્સિપલ ટીચર્સ जनाब अब्दुल्ला साहब बाल एहसान साहब इम्तियाज बापू साहब शरीफ खान महबूब खान आदिर खान बहुत प्यारे बच्चे हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम आज 21वीं सदी की सुबह में सांस ले रहे हैं। ये सदी इनकी बुनियाद पर माशरे की तामीर कर रही है। जो समाज कौम सोसाइटी आज के दौर की जरूरत वाले इनसे महरूम रहेगी वो तरक्की पसीब कभी भी नहीं बन सकती। इसका हमें खास ख्याल रखना है और इस हकीकत को एमएस स्कूल के रहबरान ने अच्छी तरह समझ लिया और वक्त के तकाजे को मद्देनजर रखते हुए और कौम की खिदमत को भी मद्देनजर रखते हुए इल्मी सरगर्मियों को फरोग देने के नेक इरादे से और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी नेक इरादे से एमएस स्कूल के रहबरान हमेशा कोसा हैं और इंशाल्लाह हमेशा कोसा रहेंगे। दीनी और दुनियावी इल्म एक सिक्के की दो बाजू और दुनियावी इल्म हमारे लिए रोजी के रास्ते फराहम कराता है और दुनियावी इल्म हमारे लिए जिसमें डॉक्टर्स इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी के माहिर कंप्यूटर साइंस के माहिर आईपीएस आईएएस ऑफिसर जैसे डिग्री वाले लोग पैदा होते हैं जो माशरे से गुर्बत को दूर करने में मदद करते हैं और माशरे को मुस्तकम बनाते हैं। गुर्बत एक ऐसी बना है जो हमको हर बुराई की तरफ माइल कर देती है और हम पर बुरे दाग लगने शुरू हो जाते हैं। ये दाग इनसे धोए जा सकते हैं। आज हमको बच्चों को पढ़ा लिखा कर इल्म की रोशनी से मालामाल करना है ताकि हमारा कल का मुस्तकबिल रोशन हो, समाज रोशन हो, माशरा रोशन हो, सोसाइटी में रोशन दिमाग लोग हो। ये प्रिंसिपल टीचर्स प्रोफेसर वगैरह जो हैं वो लोग वो रोशन चिराग हैं कि जिसकी इल्म की रोशनी से बच्चों के दिलों को दिमाग को रोशन कर दिए। वो लोग अपनी इल्म की रोशनी से कल का रोशन मुस्तकबिल बना दें जो सराहनीय है। ट्रस्टी लोग
करोड़ों रुपए खर्च करके एक प्लेटफॉर्म यानी स्कूल वगैरह बनाकर उनको मुहैया कराते हैं और कौम की खिदमत अंजाम देते हैं। एक डॉक्टर हो या साइंटिस्ट या IPS या IAS अपने फील्ड के नाम फील्ड में नाम कमाता है तो उसके माँ बाप टीचर स्कूल अपना माशरा समाज को भी फख्र महसूस कराता है। इसलिए बच्चों पढ़ लिख कर अपने माँ बाप स्कूल टीचर समाज और कौम का नाम रोशन करो, अल्लाह आपको इसमें जरूर मदद करेगा। किसी ने क्या खूब कहा है, खिड़कियां खोल दो जहनों की है वक्त सहर, गोशे गोशे में उजालों को बिखर जाने दो, चांद तारों की हदों तक ही न रखो महदूद, और जाती है जहां तक भी नजर जाने दो। वमा अलैना इल्ला बलाग। सैयद बद्रआलम साहब का बहुत वगैरह को जो उनके ख्यालों से वो जब अवस्था किया उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं फिर एक बात जनाब IPS से साहब से कहना चाहूँगा, आप हमारे साथ निभाएंगे तो ज़रूर ये कलम आने वाले दिनों में काम करेगी। और अब मैं स्टेज पर बैठे हुए हैं